हेलो फ्रेंड्स, आज की लाइफ में हर किसी के पास कुछ ऐसा डाटा होता है जिसको वो हमेशा हर वक्त अपने पास रखना चाहता है। और हम मोस्टली क्या करते हैं कि पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क या तो अपना मोबाइल, इनमें उन चीज़ों को कैरी करते हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे तो वो आपका रिज्यूम हो, चाहे तो वो कुछ MP3 फाइल हो, MP4 फाइल हो, कुछ भी इस तरह का डेटा है जो आप कैरी करते हैं। बट उनके खोने का आपको हमेशा डर बना रहता है, क्योंकि अगर वो जानकारी किसी को मिल गई या तो किसी को वो डेटा मिल गया तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं विदाउट किसी हार्ड डिस्क, किसी पेन ड्राइव, किसी मोबाइल के, और हर वक्त आप उस डेटा को अपने पास रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी हार्ड डिस्क, किसी भी तरह का पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मोबाइल, किसी भी फ्लॉपी, किसी भी तरह का आपको कोई भी डिवाइस यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस डेटा को अपने पास हमेशा 24/7 आपके पास रख सकते हैं और ये बड़ा ही सिक्योर रहेगा। ये आप गूगल ड्राइव का यूज कीजिए, ये एक ऑनलाइन आपका एक तरह से पेन ड्राइव है, या तो आप इसको हार्ड डिस्क कह लीजिए, और इसमें आप मैक्सिमम 15 GB या 15 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो एक काफ़ी बड़ा यू कैन से स्पेस है। तो इसमें आप अपनी वीडियो भी स्टोर कर सकते हैं, फोटोज, अपने रिज्यूम, अपने जो भी है आपके डॉक्यूमेंट्स पेन ड्राइव में, या तो आप इसको आधार कार्ड, कुछ भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल में भी इसको ओपन कर सकते हैं, चाहे लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल एक जीमेल अकाउंट चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कि आप सबके पास होगा, अगर नहीं है तो आप बना लीजिए। और उसके बाद आप 15 GB का स्पेस पा सकते हैं, इसमें आप किसी भी तरह की अपनी फाइल रख सकते हैं जो आपकी ज़रूरी फाइल है और जो आपको इमरजेंसी के लिए चाहिए, या तो आपका रिज्यूम हो। और कभी कभार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि आप जैसे कहीं कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप पेन ड्राइव भूल गए या तो आपकी पेन ड्राइव खो गई, तो इस तरह की चीज़ें खोने से आपको भी पता है कि कोई इसको चुरा सकता है, अगर किसी को वो मिल गई तो वो उसका मिसयूज कर सकता है, तो आप भी इस तरह की टेंशन से भी फ्री हो सकते हैं। तो करना क्या है आपको, केवल एक जीमेल अकाउंट खोलना है, और आगे आप मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीमेल ड्राइव हार्ड डिस्क में कैसे डेटा सेव कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ फ्रेंड्स। गूगल ड्राइव पेज को ओपन करने के लिए आपको पहले गूगल पेज ओपन करना है, सिंपली google.com.co.in पे जाना है, और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च एरिया में GOOGLE गूगल हार्ड ड्राइव जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। जो आप इसको करेंगे तो आपको पहला जो भी लिंक है ये वाला आप देख लीजिए, इसको ओपन करना है आपको फर्स्ट लिंक को। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइव स्टोरेज 15 GB फ्री गूगल, तो 15 GB का आपको डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फोटोज रखो, स्टोरी कुछ भी रख सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग, वीडियो, स्टोर एनी फाइल इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। गूगल टू गूगल ड्राइव पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये पेज ओपन हो रहा है। इसके बाद जो भी आपका अकाउंट है आप इस पर क्लिक कर दीजिए, मेरा पहले से, क्योंकि इसमें पहले से बने हुए हैं, आपका जो भी जीमेल अकाउंट है, हाँ, लेकिन ये केवल जीमेल अकाउंट पर ही वर्क करेगा, अगर आपका कुछ याहू अकाउंट है या तो रेडिफ है या तो कुछ भी और अकाउंट है तो नहीं वर्क करेगा। तो आप अपना जीमेल अकाउंट बना लीजिए, इसके बाद मैं इसमें पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो ये इस तरह से पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका फाइल्स है, मैं यहाँ पे आपको एक
अपना पिक्चर अपलोड करके दिखाऊंगा किस तरह से करते हैं। तो पिक्चर अपलोड करने के लिए आप क्या करिए, आप फोल्डर भी बना सकते हैं इसमें, उसमें भी पिक्चर डाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ड्रैग करके भी डाल सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना पिक्चर एरिया में जाके बैकग्राउंड का भी पिक्चर है, सपोज ये वाला है, इसको सीधे यहाँ से लेके कॉपी करके यहाँ ड्रैग कर दूंगा। तो ड्रैग करके देखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे अपलोडिंग फर्स्ट टाइम स्टार्ट होना चालू हो गया है, स्टार्ट अपलोडिंग नीचे। और जब भी अपलोड पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर का एक राइट टिक मार्क जैसा आ जाएगा, तो इसको अपलोड होने देते हैं। थोड़ी देर में पॉज करता हूँ क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपलोड हो गया है, फर्स्ट अपलोडेड कंप्लीटेड, और ये ग्रीन कलर का टिक मार्क भी आ रहा है आप देखेंगे, और इसका पिक्चर भी आ गया है। अगर आप यहाँ पे फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए सिंपली, जैसे मैंने किया, दोबारा देख लीजिए, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर करिए, आपको फोल्डर आ जाएगा, इसका नाम दे दीजिए, तो मैं लिख देता हूँ माई डेटा, और क्रिएट कर दीजिए। तो इस तरह से एक नया फोल्डर आ जाएगा, और अपनी फाइल को इसमें डालना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इस तरह से आपकी फाइल इसमें चली जाएगी, थोड़ा टाइम लेगी, और ये चली गई। अब आप इसको ओपन करिए माई डेटा को, तो आप पाएंगे कि आपकी फाइल यहाँ पर है। तो ये बहुत ही आसान है यूज करने के लिए फ्रेंड्स, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर बाहर बैठा है, दूर देश में बैठा है, और आपको उनको फाइल भेजना है, और जो आपके फैमिली मेम्बर है ट्रस्टेबल है, तो आप अपना पासवर्ड भी शेयर कर सकते हैं उनके साथ, सो उनको आपका डेटा मिल जाएगा, वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। कभी कभार कैसा होता है कि कोई हमारा दोस्त बाहर जापान में या फिर बहुत दूर बैठा होता है, और उसके साथ फाइल कैसे शेयर करें, वीडियो फाइल या तो कोई मूवी है बड़ी बड़ी, चलो ठीक है, आप व्हाट्सएप पे अपना और चीज़ें भेज सकते हैं, छोटी फाइलें हैं जो, लेकिन बड़ी बड़ी मूवियाँ भेजना, आपके पास कई सारे वीडियो हैं वो भेजना, उसके लिए आपको समझ में नहीं आता है। तो आप क्या करिए कि अपने सारे वीडियो 15 GB तक के, जिसमें आपके 8-10 मूवी आ जाएंगी, इसमें डाल दीजिए, और जब वो वहाँ पर ओपन करेंगे, जो कि ट्रस्टेबल होना चाहिए, नहीं तो आपको पासवर्ड का खतरा हो जाएगा, तो वहाँ पर वो अपने आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसको लॉग आउट कर देंगे। तो ये लॉग आउट कर देंगे तो सिंपल है, यहाँ पर साइन आउट का ऑप्शन आता है, तो आप साइन आउट कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल जिसका नाम टेक्निकल जॉम्बी है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं अपने आने वाले वीडियो में भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देता रहूँगा, जिससे आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकें।